अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिमेंटिक्स। जैसा कि हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि सिमेंटिक्स क्या है, टॉपिक पे जाने से पहले मैं जरा आपको बताता चलूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी मजीद वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। टॉपिक की तरफ हम आते हैं। सिमेंटिक्स, जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि सिमेंटिक्स जो है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लिंग्विस्टिक्स आते हैं। सिमेंटिक्स क्या है? दैट इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स विच डील्स विद द मीनिंग्स। मीनिंग्स कैसे? यानी सिमेंटिक्स डील्स और एनालिसिस द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। दिस ब्रांच डील्स विद द मीनिंग that how do we construct, how do we interpret, clarify, यानी clarified कैसे करते हैं, illustrate कैसे करते हैं, simplify कैसे करते हैं, negotiate कैसे करते हैं और उसे paraphrase कैसे करते हैं। अक्सर आपने writing में देखा होगा, poets हो गए, novelist हो गए, dramatist हो गए, ये अपने जो राइटिंग है इनकी, इन राइटिंग के अंदर ये डिक्शनरी मीनिंग्स कम होते हैं, ये रेलिवेंट मीनिंग यानी एसोसिएटिव मीनिंग्स जो है ज्यादा यूज करते हैं। और ये हमारे लिए इतना इजी भी नहीं है कि हम जो है वो मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए किसी राइटर के पास जाएं, क्योंकि आपको मीनिंग्स को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, जब हम टेक्स्ट को रीड कर रहे होते हैं तो हम कंटेक्सुअल मीनिंग ले रहे होते हैं। दूसरा, अगर आप हर वर्ड को जो है डिक्शनरी में मीनिंग फाइंड करेंगे तो मे बी आपको उस टेक्स्ट के अंदर वो मीनिंग जो है वो फिट भी ना आए, क्योंकि जो नॉवलिस्ट हैं, पोएट्स हैं, ड्रामाटिस्ट हैं, जो राइटर्स हैं, वो ज्यादातर एसोसिएटिव मीनिंग जो है वो यूज करते हैं और ताकि वो अपनी जो राइटिंग है उसको मजीद बेहतर अंदाज में पेश कर सकें। जैसे मैंने आपको एक अभी एक्टिविटी में आपके लिए जो है वो डिजाइन की है, आप इस एक्टिविटी को देखें कि इन वर्ड्स को पढ़ने के बाद फौरन आपके माइंड में क्या आइडियाज आते हैं। जैसे हमारे पास वर्ड है डॉग, तो आपके माइंड में फौरन इससे रेलेवेंट, इससे एसोसिएटिव वर्ड्स कौन से आते हैं। दूसरा हमारे पास वर्ड है सोफा, जब हम इस वर्ड को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में कौन से जो है इससे रेलिवेंट वर्ड्स आते हैं। रिंग है, शुगर है, पेंसिल है, यानी इन वर्ड्स को पढ़ के यही सेमेंटिक्स के ऊपर ही बेस करते हैं। इस एक्टिविटी के थ्रू आपको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि यानी रिंग, सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं रिंग की, रिंग से आपके माइंड में मैरिज सेरेमनी भी आ सकती है, मैरिज भी आ सकती है, गिफ्ट भी आ सकता है, रिंग का मतलब रिच भी हो सकता है। तो ये हम डिफरेंट जो इसे एसोसिएट कर रहे हैं यही हमारे पास सिमेंटिक्स के अंदर ये ब्रांच जो है डील करती है। मीनिंग हम कैसे लेते हैं? मीनिंग हमारे पास टू वेज में होते हैं। नंबर वन कंसेप्चुअल मीनिंग, नंबर टू एसोसिएटिव मीनिंग। कंसेप्चुअल मीनिंग्स क्या होते हैं? दैट इज द You can say the branch, या आप कह सकते हैं कि that deals with linguistic function, यानी कि हम डिक्शनरी के अंदर अगर वर्ड को फाइंड करते हैं और उसका जो मीनिंग वहां पर जो दिया हुआ है डिक्शनरी में, that is called conceptual meaning. Suppose मैंने आपको एक वर्ड है money, अगर आप money को डिक्शनरी के अंदर फाइंड करेंगे तो an object that allows people to buy something. हम इसकी तरफ आ जाते हैं एसोसिएटिव मीनिंग्स की तरफ। एसोसिएटिव मीनिंग कैसे होते हैं? इट डील्स विद द कॉन्सेप्ट्स दैट वी ऐड टू द ओरिजिनल वर्ड, यानी हम जो ओरिजिनल वर्ड है उसके साथ जो और एसोसिएट वर्ड्स करते हैं दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव मीनिंग। सपोज वर्ड हमारे पास वही है लेकिन अब हमने जो है वो कंसेप्चुअल मीनिंग्स की तरफ नहीं जाना बल्कि एसोसिएटिव मीनिंग्स को जो है वो इसके साथ ऐड करना है। कैसे? जैसे मनी को हमारे वर्ड के प्रोनाउंस करते ही हमारे माइंड में आता है रिच, जॉब, टू वॉक, पुअर, ये कंसेप्चुअल मीनिंग और एसोसिएटिव मीनिंग्स होते हैं।
सिमेट्रिक फीचर्स दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये सिमेंटिक जब हम रीड करते हैं तो सिमेंटिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सिमेंटिक फीचर्स भी अंडरस्टैंड करने चाहिए. द कैटेगरीज दैट अलाउ अस टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, यानी हमें वो कैटेगरीज जो हमें अलाउ करती हैं कि हमने कैसे वर्ड का जो है वो मीनिंग को क्लैरिफाई करना है. यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय हेड वर्ड एंड यूजिंग द सिंबल्स प्लस एंड माइनस to say if the word contains that features or not. Suppose मैंने semantic features को assess करने के लिए ये मैंने एक example दी है. आप इसे देखें कि हमारे पास मैंने ये head words दे दिए हैं, इससे relevant associative words. क्या ये word इनके साथ associate करते हैं, जैसे table, horse, boy, man, girl, woman, human, table, no. और नो, बॉय नो, प्लस यस. प्लस का साइन है तो इट मींस कि बॉय हो सकता है ह्यूमन में, मैन, गर्ल, वुमेन. इसी तरह वुमेन की अगर हम बात करते हैं तो नो नो, बॉय भी नहीं, मैन भी नहीं, गर्ल यस एंड वुमेन यस. हमारे पास सिमेंटिक रोल्स हैं. सिमेंटिक रोल्स क्या होते हैं? दैट आर द प्रॉपर्टीज which allow the noun phrases are having according to their meaning inside the sentence. Yani, wo properties jo noun jo hain ek sentence ke andar jab wo use hote hain, noun phrases jo use hote hain, wo jo meaning rakhte hain, that are called the semantic rules. Suppose, wo kaun se hain? Agent, theme, instrument, experiences, location, सोर्स, गोल. हमने बात की सिमेंटिक रोल्स की. सिमेंटिक रोल्स में थे हमारे पास एजेंट, थीम, इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सपीरियंसर, लोकेशन, सोर्स एंड गोल. मैंने सेंटेंस के थ्रू मैंने कहा आपको जरा सा इनके बारे भी में भी जो है वो क्लियर कर दूं, जरा सा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए. जैसे सेंटेंस है हमारे पास द बॉय किक्ड द बॉल. अब देखें जो बंदा जो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है That is the agent, उसे एजेंट कहते हैं. और जो एक्शन से जो चीज डिस्टर्ब हो रही है, जो इफेक्टेड हो रही है, that is the ball और ball is the theme. Understand? Second हमारे पास है instrument and experiencer. हमारे पास सेंटेंस है the boy cut his hair with scissors. अब scissor इसने जो एजेंट ने एक टूल यूज किया है, that is the instrument. Scissor जो है that is the instrument. और जो बाल कटने के बाद उसने जो उसकी फीलिंग्स हैं, दैट आर कॉल्ड एक्सपीरियंसर. यानी फेल्ट हैप्पी अबाउट कटिंग हिज हेयर, दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंसर. इसी तरह हमारे पास है लोकेशन, सोर्स एंड गोल. लोकेशन में क्या है? द की आर नेक्स्ट टू द डोर. यानी नेक्स्ट टू द डोर इज द लोकेशन. इस सेंटेंस में आपके पास नेक्स्ट टू द डोर जो है दैट इज द लोकेशन. इसी तरह हमारे पास और सेंटेंस है She bought some gifts from Japan. तो from Japan is the source. यानी जो एजेंट ने सोर्स यूज किया, जहां से उसने वो चीजें परचेस की, दैट इज कॉल्ड द सोर्स. इसी तरह हमारे पास है गोल. अली ट्रेवल्स टू लाहौर टूमोरो. अब ये जो डेस्टिनेशन है उसका गोल जो है वो क्या है? टू लाहौर. सो दैट इज द सिमेंटिक रोल्स.